नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। श्री कष्टभंजन समिति एनजीओ नौसारी द्वारा मेघा आचार के लिए उठाया न्याय की मांग। मेघा आचार सिविल हॉस्पिटल में 4 साल से कार्यरत थी, कोरोना महामारी में लगातार काम किया। सिविल हॉस्पिटल के अधिकारियों द्वारा फटकार लगाना, इससे डिप्रेशन में आकर मेघा आचार सिविल हॉस्पिटल में पंखे से लटक कर किया आपातघात। कष्टभंजन एनजीओ नौसारी प्रमुख अशोक शुक्ला, उप प्रमुख अनिल वासी, दीपक मिश्रा, कवल शर्मा, बाबा भोनू तिवारी, किशन शुक्ला, पवन तिवारी सभी एनजीओ पदाधिकारियों द्वारा नवसारी सिविल हॉस्पिटल में मोमबत्ती जलाकर दिया गया श्रद्धांजलि और उठाया न्याय की मांग। माधोपुर एक्सप्रेस न्यूज से अशोक शुक्ला, नवसारी। मैं दीपक मिश्रा, श्री कष्टभंजन समिति के माध्यम से नवसारी जिला अध्यक्ष माननीय श्री अशोक शुक्ला जी, उपाध्यक्ष अनिल वासी जी, महामंत्री अनिल पटेल जी, सलाहकार संजय परमार जी तथा अन्य सदस्यगण सभी के माध्यम से मेघा आचार्य जी को, जो कि नवसारी सिविल हॉस्पिटल में 4 साल से कार्यरत थी और कोरोना जैसे महामारी में 9 महीने से लगातार उन्होंने सबका सेवा किया है, लेकिन कुछ दिनों से उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने आवेदन किया अपने छुट्टी के लिए, लेकिन उनको किसी प्रकार की मदद नहीं की गई और न ही उनको छुट्टी दी गई, जिसके लिए वो डिप्रेशन में आकर के और डॉक्टरों द्वारा या उनके परिवार किसी न किसी के द्वारा जो है उनको प्रताड़ित किया गया, उनको सारे स्टाफ के सामने फटकार लगाया गया, जिसके दबाव से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। मैं श्री कष्टभंजन समिति के माध्यम से आप सब से यही कहना चाहता हूँ कि आचार्य मेघा जी को इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी इसमें सदस्य हैं या डॉक्टर हैं या जो भी सदस्य हैं जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जो लड़की है मेघा आचार्य, उसके लिए कष्टभंजन समिति सरकार को बोल रही है कि वो लड़की को जो प्रताड़ित किया गया है, जो तकलीफ दे गई, उसको न्याय मिले और जो सरकारी अधिकारी है उनको सजा मिले, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। सरकारी